क्लास 11 कर हमने एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन 18 20 से स्टार्ट करेंगे। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर के पावर एन कॉमन जीपी फाइंड द कॉमन रेशियो। इनका जो प्रोडक्ट है उससे जीपी बन गया। या जगह ए यू ए ए ए स्मॉल आर कैपिटल आर ए ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ए ए स्मॉल आर की पावर एन माइनस वन कैपिटल आर की पावर एन माइनस वन। कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। कॉमन रेशियो आ जाएगा आपका ए ए स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन ए ए कैंसिल हो गया तो कितना आ गया स्मॉल आर कैपिटल दैट इज कॉमन रेशियो। क्लियर? कॉमन रेशियो पूछा था उसमें से कॉमन रेशियो निकाल दिया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करिए इसमें जो कॉमन रेशियो है कॉमन रेशियो आ गया दैट इज 9.3 क्वेश्चन नंबर 20। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो कॉमन रेशियो आ जाएगा आपका। क्लियर है? दिस इज आंसर। सेकंड फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया सेकंड को सेकंड से थर्ड को थर्ड से लास्ट को लास्ट से। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करा? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया आपका कॉमन रेशियो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? शो दैट द फाइंड द फोर टर्म्स फॉर्मिंग ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द सेकंड टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। जो हमारी थर्ड टर्म है ग्रेटर है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है तो थर्ड टर्म ऑलरेडी ग्रेटर है तो थर्ड टर्म में ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कितनी होती है? ए आर स्क्वायर प्लस टर्म ए प्लस 9। ये आ गया आपका ए आर स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 9। ये आ गया ए आर स्क्वायर माइनस का ए इक्वल्स टू 9। ए कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल्स टू 9 फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसके बाद कह रहे हैं थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। उसके बाद सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म ग्रेटर फोर्थ टर्म बाई 18। सेकेंड टर्म 18 ग्रेटर है तो सेकेंड टर्म में नहीं करेंगे फोर्थ टर्म में 18 ऐड करेंगे। ये आ जाएगा ए आर क्यूब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस 18। ये आ जाएगा ए आर माइनस का ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18। ए कॉमन आएगा आर कॉमन आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 18। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? सेकेंड। दोनों को डिवाइड करो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड या सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट ए आर वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 18 अपॉन 100। ए से ए कैंसिल हो गया माइनस कॉमन लेने के आ जाएगा माइनस आर आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2। तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। क्लियर? अब आर की वैल्यू काउंट करेंगे यहाँ पर उदाहरण इक्वेशन फर्स्ट आर इन इक्वेशन फर्स्ट कितना आ जाएगा? ए माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 9। ए आ गया आपका 9 अपॉन 3 आ गया। हमसे क्या पूछा? जीपी की फोर टर्म पूछिए तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 देन आ जाएगा 3 टू माइनस 2 माइनस के 6। ठीक है फर्स्ट टर्म आ गई आपकी ए आर स्क्वायर ए आर बी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 थ्री टू से कितना आएगा? माइनस 6। 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 से कितना आ गया? माइनस 2 का क्या 8 कितना आएगा? माइनस के 24। तो ये आ गया आपके 3 माइनस 6 12 और माइनस के 24। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 9 इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस 3 ए कॉमन आ गया ए ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9। सेकेंड टर्म ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18 सेकेंड टर्म आ गई ए आर क्यूब प्लस 18 ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 18 ए आर कॉमन आ गया
फर्स्ट को इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ए से कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस वन आर स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, आर कितना आ गया माइनस वन, आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ए इंटू टू का स्क्वायर फोर माइनस वन, ए कितना आ गया थ्री, फर्स्ट टर्म थ्री, ए आर स्क्वायर थ्री इंटू माइनस टू माइनस के सिक्स, थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री ट्वेल्व, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस एट, एट थ्री कितना आ गया ट्वेल्व, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 21, 22 भी प्रूफ करना है, 23 भी प्रूफ करना है, 24, 25 प्रूफ करना है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी के जो चलेंगे अब, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे अब तक, अब प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो बेसिकली एग्जाम में आते हैं, रिटन एग्जाम अगर होता है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, में कह रहे हैं इफ द पी एट क्यूएथ एंड आर एट टर्म ऑफ जी पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, पी एट टर्म दे रखे ए, क्यू एट टर्म दे रखे बी, आर एट टर्म दे रखे सी, तो पी एट टर्म कितनी होती है, पी एट टर्म होती है ए आर के पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म को हम ए मान लेते हैं, ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू ए, पी एट टर्म हमारे पास ए है, क्लियर, जी पी की जो पी एट टर्म है उसकी वैल्यू ए है, तो ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ गया पी ए, क्यू एट टर्म कितनी है बी, क्यू एट टर्म हुई ए आर की पावर टू माइनस वन इक्वल्स टू बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्यू एट टर्म कितनी होगी ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू बी, आर एच टर्म कितनी है सी, ए आर आर एटम सी, तो याद रहेंगे ए आर की पावर आर माइनस वन इक्वल्स टू कितना आएगा सी, जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड, पी एटम ए है, क्यू एटम बी है, और आर एटम कितनी है सी है, देन हमें शो करना है ए आर ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस बी, पी सी की पावर पी माइनस बी इक्वल्स टू वन, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की पावर कितना है क्यू माइनस आर, बी की पावर कितना है आर माइनस बी, और सी की पावर कितना है पी माइनस बी, तो वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, बी कितना है ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस बी, सी कितना है ए आर की पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस वन, ये ए की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ये बी की वैल्यू पुट करिए, सी की वैल्यू पुट करिए, याद रखिए ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ जाएगा ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर आ जाएगी पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, नेक्स्ट आएगा ए की पावर कितना आएगा पी माइनस टू, आर की पावर कितना आएगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर बेस सेम तो पावर ऐड होगी, ए की पावर आ जाएगी आपकी क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस टू, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस वन, आर की पावर कितनी आएगी पी इंटू पी पी क्यू माइनस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर, यह आएगा प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर प्लस के माइनस के कितना आएगा आर की पावर में चल रहा है प्लस के पी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पी आर माइनस के क्यू आर माइनस के पी प्लस के क्यू, ए की पावर कितना देगा जीरो, ऐसे आर की पावर जीरो आ जाएगा, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ए की पावर जीरो आर की पावर जीरो कितना आ जाएगा, क्लियर, जी पी की हमें पी एट टर्म इधर रखी है, तो पी एट टर्म हो गई ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू ए, क्योंकि जी पी की एन एट टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, तो पी एट टर्म ए तो कितना आ गया ए आर की पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू ए, क्यू एट टर्म बी है तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल्स टू कितना बी, आर एटम सी है ए आर की पावर आर माइनस वन इक्वल्स टू सी, ये हम प्रूफ करना था एन एच एस रेडियस की, एन एच एस में आ गया ए की पावर कितना आ गया क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस वन, सी की पावर पी माइनस टू, ए कितना है ए आर की पावर पी माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, बी कितना है ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस बी, सी कितना है ए आर की पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस टू, यहाँ गया ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस वन टू क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस बी, पी की पावर आर की पावर क्यू माइनस वन टू आर माइनस, ए की पावर पी माइनस क्यू आर की पावर क्यू आर माइनस वन इंटू पी माइनस,
बीस सी पावर हट गए, ऐसे आर की पावर में आ गया, ई की पावर जीरो, आर की पावर जीरो कितना आ गया हमारा, क्लियर। तो आपको क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। 23rd क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट में जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23rd क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 23। में क्या कह रहा है देखो, 23 में कह रहे हैं इफ द फर्स्ट एन एटम ऑफ एपीआर जीपीआर ईएनडी, फर्स्ट टर्म तो ये दे रखी है, एन एटम भी ये दे रखी है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की होल पावर एन, फर्स्ट टर्म ए है, दैट इज फर्स्ट टर्म ए इज ए, एन एटम जो है कितनी है बी, तो एन एटम होगी ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू बी, ये हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, ये हमें एन एटम दे रखी है। अब पी जो है प्रोडक्ट है कितने टर्म्स का, एन टर्म्स, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर टू एन माइनस, देन हम प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की होल पावर एन, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू पी, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर एन माइनस, ए की पावर सबकी पावर कितनी है मैंने, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अब टू कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया एक एक्स्ट्रा है, एन माइनस वन तक ही है लेकिन एक एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो कितना आएगा एन टर्म्स है, आर की पावर कितनी है, वन प्लस टू प्लस थ्री अब टू कितनी टर्म्स है, एन माइनस वन टर्म्स, इसमें एन माइनस वन टर्म्स है, तो इसमें ए भी लग जाएगी, मैंने कल भी आपको सिखाया था वन प्लस का सम कितना होता है, एन होता है, कर देते हैं एन अपॉन टू टू ए, ए कितना है वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो कितना है जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाइस में करूँगा जीरो आ जाएगा, एन बाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर एन आएगा, आर की पावर कितना आएगा एन बाई टू, एन माइनस वन अपॉन टू टू ए, ए कितना है वन प्लस एन माइनस वन माइनस के वन इंटू डी कितना है, इसकी पावर में भी ए पी की फॉर्मूला लगा सम का एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके पावर में तो यह आगे पी इक्वल्स टू ए की पावर एन बाई टू, एन माइनस वन इंटू जीरो कितना हो गया जीरो, टू इंटू वन कितना है टू, इस टू से टू कैंसिल हो गया, तो पी इक्वल्स टू आ गया ए की पावर एन, आर की पावर कितना आएगा एन माइनस वन बाई टू, ब्रैकेट में कितना आएगा टू प्लस एन माइनस टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, अब ये कितना आ गया पी इक्वल्स टू ए की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन टू इन टू एन, ठीक है, यहाँ भी ए की पावर एन है, यहाँ भी एन है, एन एन माइनस वन बाई टू, तो उसको मैं लिख दूंगा पी इक्वल्स टू स्क्वायर करना है ना, तो डायरेक्ट हर जगह स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ही कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यह देगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमें आंसर बनाना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की होल पावर एन, ए आंसर बनाना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, मतलब आपको अंदर ब्रैकेट में एक तो ए लाना है बी लाना है ए आर की पावर एन माइनस का होल स्क्वायर, तो यह देगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर टू ए, आर की पावर कितना है टू इंटू एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, टू से टू कर जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू ए आर, ए की पावर कितना आएगा एन इंटू ए की पावर एन, आर की पावर एन एन माइनस वन, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए, सबकी पावर ऊपर एन चढ़ा दूंगा, ए इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन की फुल पावर है भैया, इसकी ए की पावर भी एन है, यहाँ भी ए की पावर एन है, यहाँ आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू इसको ए लिखा मैंने, इसको ए लिखा, आर की पावर एन माइनस वन लिखा, उसकी जो होल पावर है ना वो ऊपर चढ़ा दी, अब इसको इसको क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए फर्स्ट इक्वेशन से, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ए आर की पावर एन माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो आगे पी की होल पावर कितना है, प्रूफ हो गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की होल पावर एन, देखो एक जीपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जीपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है मैं, ए फर्स्ट टर्म हो गई ए इक्वल्स टू ए, एन एटम हो गई बी, एन एटम होती है ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू बी, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तो पी हो गया ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर टू ए आर की पावर एन माइनस वन, सबकी पावर
सबका बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कितना आ गया एन, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1। इसमें भी जीपी का ए पी का फॉर्मूला लगाया, इसमें भी ए पी का, क्योंकि एन नेचुरल नंबर ये सम में 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 ए की वैल्यू कितनी है 1, 2 ए, एन माइनस 1 डी कितना है 0, एन माइनस 1 अपॉन 2 2 ए, ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, यह जाएगा एन माइनस 1 इंटू 0 0, यह जाएगा एन बाई 2 इंटू 2, एन माइनस 1 बाई 2, यह जाएगा एन 2 प्लस एन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस 1 अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 2 एन आर की पावर 2 एन माइनस 1 अपॉन एन अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस 1, पी स्क्वायर इक्वल टू ए ए आर की पावर एन माइनस 1 की होल पावर एन, ए तो कितना आ गया ए आ गया आपका ए, ए के ए आर के बारे में सुन कितना आ गया बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ए बी की पावर एन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, 24 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 25 26 27 28 29 ये भी इंपॉर्टेंट है सर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 24 पे क्या कह रहा है, ट्वेंटी फोर पे हमें दे रखा है शो दैट द इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, सॉरी शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म्स of a GP to the sum of the n plus 1 to 2n plus 1 also, मतलब a ar ar की पावर n माइनस 1, ये तो n टर्म्स होंगे, इससे नेक्स्ट टर्म क्या है ar की पावर n plus 1 माइनस 1, तो मतलब n आएगा, देन ये n plus 1 टर्म है, n plus 1 टर्म होगी ar की पावर n plus 1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो ar की पावर n होगा, देन आएगा ar की पावर n plus 1 अप टू n में कितना आएगा ar की पावर 2n माइनस 1 2n माइनस 1, क्योंकि वो टोटल टर्म्स जो है इसके सम का और इसके सम का जो रेशियो है हमें प्रूव करना है 1 अपॉन r की पावर n है, तो सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे ar की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इफ हम r को कंसीडर कर लेते हैं ग्रेटर देन 1 है, लेट इट बी r इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, सम का फॉर्म लगा दिया a a की जगह 1 माइनस r की पावर n अपॉन कितना आ गया 1 माइनस r, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो है इस जीपी की फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन है, तो इसका जो सम का फॉर्म लगेगा वो कितना लगेगा ए आर की पावर एन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन कितना आएगा 1 माइनस आर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दें एस एन, क्योंकि टर्म्स तो एन प्लस वन से लेके टू एन तक एन ही रहेगी, देखो कैसे, जैसे वन से लेके हंड्रेड तक कितनी टर्म्स है 100, 100 वन से लेके 200 तक, अगर मैं कहूँ 101 से लेके 200 तक तो टोटल टर्म्स कितनी रहेगी 100 ही तो रहेगी, ऐसे 1 से लेके n तक टर्म्स कितनी रहेगी n रहेगी, अब n प्लस 1 से 2n तक तो माइनस करके देख लो कितने टर्म्स रहेंगी n टर्म्स रहेंगे, ठीक है, तो लेकिन उसमें होगा क्या कि उसमें जैसे 101 टू 200 में जो फर्स्ट टर्म होगी वो 101 टर्म फर्स्ट होगी, ठीक है, अब ऐसे इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी ए आर की पावर एन होगी आपकी फर्स्ट टर्म, मतलब आपकी n प्लस 1 टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट टर्म एन प्लस वन टर्म कितनी होगी ए आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन, तो ए आर की पावर एन होगी, वन माइनस कॉमन रेशो वही आ रहा होगा आर की पावर अपॉन वन माइनस आर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं एस एन अपॉन एस डैश कितना आएगा ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये आ जाएगा आपको वन माइनस आर अपॉन ए आर की पावर एन वन माइनस आर की पावर एन, आर को इससे कैंसिल हो गया इससे ही कैंसिल हो गया ए से ही कैंसिल हुआ कितना आ गया एस अपॉन एस एन अपॉन एस डैश वन अपॉन आर की पावर, ये आंसर क्लियर, तो स्टार्टिंग की एन टर्म्स का और फिर एन प्लस वन से लेके टू एन टर्म्स का जो रेशियो इतना दे रखा है वन अपॉन आर की पावर, प्रूफ हो गया या तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर, 25 से 29 तक कल करेंगे कंटिन्यू, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। थैंक यू।